25-26 साल उन्हें अपने जीवन के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हो गए हैं, चाहे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री दो बार रहे हों, और तीसरी बार की तरफ बढ़ रहे हैं उनके कदम। कठपुतली नहीं हो सकता, कठपुतली G20 नहीं करा सकता, कठपुतली 370 और 35 से नहीं हटा सकता, कठपुतली राम मंदिर भी बना दे और अयोध्या में मस्जिद भी बना दे ऐसा नहीं कर सकता, कठपुतली सुप्रीम कोर्ट और सरकार से ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए खत्म करा दे, कठपुतली नहीं कर सकता ये काम। न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अबरारुल्लाह रहमान। दर्शकों, मनीष सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह, ये दो ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन नामों को इर्द गिर्द जो है इसके चर्चा इस वक्त तमाम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक लोग हों या फिर आम लोग हों, वो ये बात समझना चाह रहे हैं कि ईडी सीबीआई के द्वारा जो कार्रवाई के नाम पर हैरेसमेंट की जा रही है, इस मामले में जो है सबूत के तौर पर उनके पास क्या सारी चीजें हैं और किस ढंग से वो उसको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर दुरुस्त ठहराते नजर आएंगे। ये एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि 2024 से पहले जिस ढंग से पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बदलता चला जा रहा है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इसका कितना ज्यादा राजनीतिक नफे नुकसान जो है वो देखने को मिल सकते हैं। दरअसल इसी बात के इर्द गिर्द यहाँ पर चर्चा जो है वो होती हुई नजर आएगी, लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको एक खास रिपोर्ट जरूर देखनी। हमारी जांच एजेंसियां हैं, निष्पक्ष हैं, निर्भीक, निडर हैं और जांच चल रही है, तो जो भी होगा आरोप लगे हैं, लगता तो नहीं है संजय सिंह ऐसे व्यक्ति हैं, ग्राउंड जीरो से आए हैं संजय सिंह, ईमानदारी की पराकाष्ठा का नारा लेकर आए हैं, अन्ना जी का हाथ पकड़ कर आए हैं और भारत माता की जय करके आए थे रामलीला मैदान और जंतर मंतर से, जब राजनीतिक पार्टी बनी जिसका गठन ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन था, याद होगा आपको, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो बना संगठन से, सामाजिक संगठन से, उसके बाद राजनीतिक दल बना और उस पर अगर ऐसे लगातार मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, लगातार सैकड़ों करोड़ के आरोप भ्रष्टाचार के लगे, सोचने वाली बात तो है, प्रश्न चिन्ह तो है, जिम्मेदारी भरा प्रश्न चिन्ह है कि हम जिस बात को लेकर आए थे वही बात हम पर होने लगी, और जुम्मा भी ज्यादा दिन नहीं हुए, चंद वर्ष, अभी 3 बार की सरकार अभी चल रही है और देश देख रहा है। देखिए, साफ हो, पवित्र हो, ईमानदार हो तो ईमानदार दिखना भी चाहिए, आपको ईमानदार दिखना, ईमानदार बनने के लिए बनना भी पड़ेगा, आप चरित्रवान होते हैं लेकिन आप चरित्रवान दिख नहीं रहे तो नहीं मतलब, अगर आप गंगा जल बाइक पर और XX3 रम और ड्राई जिन की बोतल में भर के ले जा रहे हैं गंगा जल, तो साहब लोग गंगा जल नहीं कहेंगे उसे, लोग कहेंगे ड्राई जिन पिलाओ ना मुझे, 2 पैक पिलाओ ना, XX3 में लाओ ना, वैक पाइप पर पिलाओ ना, गंगा जल है उसमें, तो दिखना भी चाहिए मनुष्य को, यही बात है, न्याय होते भी दिखना चाहिए, जांच होते हुए भी दिखनी चाहिए, हमारी अच्छी जांच एजेंसियां हैं। हाँ, बदले की भावना से अगर काम किया जा रहा है तो बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए, राजनीति में दबाने के लिए, आवाज दबाने के लिए, विरोध करने के लिए, 2024 के चुनाव के लिए कभी किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, झूठे अपराध नहीं लगाना चाहिए। ये कहना कि आज EDCA तमाम जो स्वतंत्र एजेंसियां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कठपुतली बन चुकी है, क्या आपको लगता है कि EDCA भी दबाव में हो सकती है? सर, ये तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी फिर तो। नहीं, कठपुतली नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी हैं, 25-26 साल उन्हें अपने जीवन के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हो गए हैं, चाहे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री दो बार रहे हों, और तीसरी बार की तरफ बढ़ रहे हैं उनके कदम। कठपुतली नहीं हो सकता, कठपुतली G20 नहीं करा सकता, कठपुतली 370 और 35 से नहीं हटा सकता, कठपुतली राम मंदिर भी बना दे और अयोध्या में मस्जिद भी बना दे ऐसा नहीं कर सकता, कठपुतली सुप्रीम कोर्ट और सरकार से ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के लिए खत्म करा दे, कठपुतली नहीं कर सकता ये काम। वन नेशन वन इलेक्शन लाने की बात हो रही है, कठपुतली प्रधानमंत्री 3-3 वैक्सीनेशन बना दे, वैक्सीन बना दे, हमारे देश का वैक्सीनेशन टोटल फ्री में करा दे और दुनिया के 50 देशों में कोरोना वैक्सीन भेज दे, वो कठपुतली तो नहीं कर सकता, ये तो आपको बता दूं, लेकिन कभी भी बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। राजनीति में जब आप आगे बढ़ जाएं तो पीछे मुड़कर देखकर
बदले की भावना से कार्य कभी नहीं करना चाहिए। सर, आपने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, एक और मुद्दा सामने सर आया था कि इंडिया का नाम भारत कर देंगे, इसमें सर कितनी सच्चाई आप देखते हैं? अगर ऐसा होता है तो हर जगह से इंडिया हटाएंगे तो कितना घाटा जो है देश को? नहीं, इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, इंडिया और भारत ही हिंदुस्तान है, और इंडिया भारत हिंदुस्तान ही भारत खंडे है। ये चारों नाम हमारे देश के, वो संस्कृत का है, वो हिंदी का है, वो इंग्लिश का है, वो कॉमन माना जाता है। अब आप यहाँ खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इंग्लिश में इंडिया कहा जाता है, हिंदुस्तान भी है। अब अगर इंडिया गठबंधन का हो गया है तो अगर भारत पाकिस्तान जीतता है तो क्या बोला जाता है? इंडिया जीता। और अगर बाई चांस हार जाता है ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया न्यूजीलैंड से इंडिया हार जाता है तो क्या बोला जाएगा? इंडिया हार गया, इंडिया मतलब गठबंधन हार गया। क्या भारत हार गया? भारत का लोक, भारत कभी नहीं हारता, भारत का संविधान कभी नहीं हारेगा, भारत कभी नहीं, भारत माता हारेंगी, मजबूत है। लेकिन राजनीति करने के लिए जो डॉट 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 इंडिया डॉट 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 किया है यूज, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया सर। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ भारत तो लिख दिया, यहाँ भी भारत का सर्वोच्च न्यायालय लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी लिखा जाता है। तो ये अभी हमारी मिक्स है, एयर इंडिया है, ये सब चीजें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब नोटों पर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या करोगे? फिर से नोटबंदी आएगी, फिर से क्या नोट चेंज होंगे, फिर से क्या होगा? एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, दिस इज एन ऑल इंडिया रेडियो, जब सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, तो फिर क्या ये भारत का रेडियो है? बोलने को कोई कठिन ऐसा काम नहीं है, चेंज हो सकता है। अगर ऐसा होता है सर तो क्या घाटा आएगा देश को? देश को घाटा क्या आएगा? डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, क्या घाटा आया? सड़कों पे कोरोना काल, अरे आ गए थे सब सही हो गए, कोरोना काल आया, लाशें आ गई सड़कों पे, शमशान घाट के आगे लाशें लग गई, गंगा की तलहटी लाशों से भर गई। क्या हुआ? सिर्फ जीवन, इतना बड़ा देश है, चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, काम करते रहते हैं। सीमा हैदर को लेकर रहेगा, ये कहा जा रहा है कि तलाक होने वाली है, सीमा हैदर घर वापसी करने वाली है पाकिस्तान। अच्छा, कहा सीमा सचिन मीणा की किससे तलाक होने वाली है? किससे? आप तो बताओ, आप तो बहुत खबरी पत्रकार है। अच्छा, सचिन की तलाक हो रही है? आप खबरें दिखाते रहिए, आप लड़ाई की खबरें दिखाइए, आप सीमा के मरने की खबरें दिखाइए, आप सीमा के जहर खाने की खबरें दिखाइए। नहीं आ रही है सर। कौन दिखा रहा? हम ही आप तो दिखा रहे हैं, हमारे व्यवसायिक चैनल तो दिखा रहे हैं, हमारे आपकी पत्रकार, सम्मानित पत्रकार, मीडिया जो चौथा स्तंभ है वही तो दिखा रहा है, वो तो कुछ भी दिखा। देखिए, अगर सीमा सचिन मीणा और डॉक्टर एपी सिंह के नाम से खबर बिकती है, अगर खबर चलती है और दुकानें चलती हैं, पाकिस्तान की तो इससे भी खतरनाक खबरें चलती हैं। पाकिस्तान वाले तो कहते हैं, सर मैंने टाइटल बना दिया, कंटेंट बना दिया, हमारे यहाँ भुखमरी है, हमारे यहाँ रोटी नहीं मिल पा रही, गैस सिलेंडर महंगा, सब्जी महंगी, टमाटर तेल सब्जी सब महंगी है, तो हमारे यहाँ रोजी रोटी चल जाती है, आपके लिए गलत कंटेंट्स डालकर, सोचिए आप। तो ये उनका अपना, चलो मिल जाती है, अगर हमारे नाम से, सचिन मीणा के नाम से, सीमा के नाम से, डॉक्टर एपी सिंह के नाम से कुछ चल जाता है। ये बात मैंने अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लॉयर और इंस्टाग्राम एपी डॉक्टर एपी सिंह लॉयर उस पर डाली। जब उस पर डाली तो लोगों ने कहा, सर ऐसा ऐसा लिखते हैं। मैंने कोई बात नहीं कि आपको तो नहीं लगता है कि सीमा मर गई, सीमा के रोज इंटरव्यू आ रहे हैं, सीमा की रोज वीडियोज आ रही हैं, सीमा रोज खुश होकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाती है, झाड़ू लगाती है, आज सीमा अपनी बेटी प्रियंका का जन्मदिन मना रही है, तो बिल्कुल खुशी खुशी मना रही है। सीमा सचिन मीणा का कभी ना डाइवोर्स होगा, वो इस देश में आई है, मेरी बहन है, तभी तो मैं ज्यादा जिम्मेदारी कह सकता, क्लाइंट के लिए तो जिम्मेदारी नहीं कह सकते, मेरी बहन है इसीलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। ये भाई आपको लगता है तलाक होने देगा? अरे ठोक पीट के सही करके रख लेंगे, दोनों को कोई बात भी होगी, ऊंच नीच बात होगी, अपने हैं, बच्चे हैं, अपने हैं, तो उनको नहीं होगा, किसी तरह से नहीं होगा। हाँ, उनका सीमा सचिन मीणा लगातार देश के लिए, देशभक्ति के लिए, देश की धारा के लिए, देश की मुख्य धारा के लिए काम कर रही है, उसने भारत को अपना लिया है, सनातन पद्धति को अपना लिया है, सनातन धर्म को अपना लिया है, तो उसका जीवन अच्छा होगा, भविष्य होगा। और एक बात और जिम्मेदारी के साथ कह दूं, सीमा सचिन मीणा भारत में आई है, बहू बन के आई है, और हमारे देश में बहू की ससुराल से
डोली दोबारा नहीं उठती है, अर्थी उठ के जाएगी, जाएगी अगर तो अर्थी उठ के जाएगी। जीवन नश्वर है, कभी भी कभी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन डोली उठ के सीमा की नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया एपी सिंह जी हमारे साथ थे, और इसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो जिस तरह की खबरें मीडिया में दिखाई जा रही है बिल्कुल गलत है, फेक है। तो आपने देखा दर्शकों, अब क्या इस रिपोर्ट के देखने के बाद भी ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर कोई बड़ी सच्चाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष का शेयर जो है मिला हुआ है इस पूरे मामले पर, जो उनके पास कोई बड़े सबूत नहीं है, और सबूत नहीं है उसके बावजूद भी यहाँ पर गिरफ्तारी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, और ये दर्शाता है कि सत्ता पक्ष किस कदर तला हुआ है, उनके मन के भीतर कहीं ना कहीं ये डर भय बैठ गया है कि यहाँ पर विपक्ष के नेताओं को अगर जेल की काल कोठरे में नहीं डाला तो चुनाव जीतना बिल्कुल पूरी तरीके से जो है असंभव होता नजर आएगा। और दरअसल इसी वजह से यहाँ पर गिरफ्तारियों का दौर जो सिलसिला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।